सुप्रभात, क्लास है एट्थ। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें मैंने आपको 3 वीडियो पहले मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ समझाते हुए। अब है हम लोग आगे से पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिषद। उपनिषद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या है उपनिषद में, क्या है, किसके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उपनिषेदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। कितने वर्ष, कितने ईसा पूर्व माना जाता है बच्चों? 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है, यानी कि भारतीय आर्यों के चिंतन में, यानी कि उनके चिंतन में एक कदम और आगे हमें ले जाते हैं। कौन? उपनिषद। उपनिषदों से जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते हैं। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया है, यानी कि जो व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा का जो संबंधी ज्ञान है, उनको दोनों को एक ही कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या यानी कि झूठ तो नहीं कहा गया है। बाह्य यानी कि जो भारी है, जो हमारे अंदर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, हमारे जो हमारी शरीर है, हमारे अंदर जो हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, वो हमारी आत्मा के द्वारा ही होता है। यदि व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो वो एक मृत काया यानी कि मृत शरीर के समान होता है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। अब इसमें उपनिषदों में ये झुकाव है अद्वैतवाद की ओर है कि सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद यानी कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी है उसी किस्म की लोकोत्तर यानी कि लोगों यानी कि जो लोग होते हैं उनके बीच में जो लोकोत्तर बन जाते हैं, ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया था। तो अब है हमारा उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों में हमेशा सच्चाई पर बल दिया गया है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलें यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से मुझे अमरतत्व की ओर ले चलें। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर उसी किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ये कौन है? ये हमारी आत्मा ही है। हमारी आत्मा हमेशा वो प्रयास करती है कि मुझे हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चले, यानी कि जो व्यक्ति के शरीर में जो आत्मा रहती है वो हमेशा अंदर यह झटपट आती रहती है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाऊं मैं, तो प्रकाश की ओर ले चले। मृत्यु से मुझे यानी कि मृत्यु से मुझे अमर जहां मुझे मोक्ष मिल जाए मुझे वहां की ओर ले चले। बार बार हमें बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोजो प्रश्न को उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत है। हर श्लोक के अंत इस टेक से होता है, चरैवेति हे यात्री इसलिए चलते रहो। चरैवेति का अर्थ है हे यात्री चलते रहो। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे उपनिषदों में क्या है।
उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया है और वास्तविकता यही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अब है हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानियां। अब व्यक्तिवादी जो व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां उनमें क्या है, उपनिषदों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है और शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें, ज्ञानार्जन या और किसी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। यह बिल्कुल सत्य बात है। यदि हमें ज्ञानार्जन करना है, किसी की तरह उपलब्धि हमें हासिल करनी है, तो इसके लिए हमें पहले संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। संयम यानी कि यदि हमें संयम नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हमारी आत्मा में हमने अपनी आत्मा को पीड़ित नहीं किया है, जैसे कि किसी से अपने घर से दूर होना पड़ता है तो हमें अपनी आत्मा में भी ये लगता है, हमारा मन उदास हो जाता है, तो ये हमारी आत्मा की ही आवाज़ होती है। हमारा मन कहता है कि हम इनको नहीं छोड़ के जाएं, जो दुख होता है, ग्लानि होती है। आत्मत्याग यानी कि जो हमारा मोह है, जो हमारा दर्द है, हम उसको भी त्याग सकते हैं और हम एक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते जा आ रहे हैं जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। यानी कि जो हमारी भारतीय आर्य संस्कृति है, उन्होंने अपने भिन्न औरों के विश्वासों के और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों से बचते आ रहे हैं जो अक्सर समाज को खंड खंड यानी कि अलग अलग कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा है, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। भारतीय आर्य थे, उन्होंने यह था कि अपना एक समूह यानी कि उसमें स्वतंत्रता थी भी, लेकिन एक लिमिट के अनुसार थी। अपनी संस्कृति को, अपने जो अनुभव थे उन्होंने और अपने अंदर संतुलन बनाए रखा था, जो ढांचा था उसके भीतर रहते हुए भी लोग अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने में काफी छूट देकर उन्हें प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनकी इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की नई कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई उदारत्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई है। अब इसमें यह है कि नेहरू जी कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो हमारी व्यक्तिवाद था, व्यक्तिवाद में था कि मनुष्य को सामाजिक पक्ष और समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति अपने जीवन में बटा हुआ था, बंधा हुआ था। वह अपने जीवन के प्रति अपने लिए ही वह उत्सुक था, अपने लिए ही वह सोचता था, किसी दूसरे के प्रति वो नहीं था। उसके प्रति कोई दात बोध नहीं था, दूसरे के प्रति केवल अपनी कल्पना। यानी कि ये है कि इसलिए प्राचीन भारत में उसकी उम्मीदें करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद यानी कि व्यक्तिवाद एक दूसरे से अलगाव होने लगे। ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। और यह है कि ऊंच नीच जात पात का भेद शुरू हो गया था, वो चलता रहा पूरे इतिहास में। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि जातिवाद से ही अलगाववाद की स्थिति पैदा हुई है। जाति व्यवस्था में शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारी
जिस प्रकार की जाति ऊंच नीच की जो हमारी जो प्रवृत्ति थी वो एक बौद्धिक जड़ता में बढ़ती चली गई और आज एक ये एक मानसिकता और ये बौद्धिकता बन गई है कि ऊंच नीच जात पात का भेद कि जो बढ़ती हुई जो समस्या है वे आज भी जाति की रचनात्मक जो शक्ति है उसको धुंधलाती चली गई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको इतना समझ में आया होगा, आज हमने उपनिषद और व्यक्तिवादी दर्शन और लाभ और हानियों के बारे में, यानी कि व्यक्तिवाद के दर्शन में लाभ और हानियां, क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, ये हमने आज पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा इस वीडियो को। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।